एक्सपेंस डेबिट, कभी भी हायर ऑफ का प्रोविजन नहीं बनेगा। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने उसको टर्मिनेट करने का फैसला ना भी किया हो ना, प्रोविजन हमेशा लोअर ऑफ पे ही बनेगा, क्योंकि यही वाइज डिसीजन है करना। ऑर्गेनाइजेशन को यही चाहिए भाई, जब आप फंस गए किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो आप कोशिश करें उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आने के लिए आपको मिनिमम कॉस्ट लगानी पड़ेगी। तो ये जो होती है ना लोअर ऑफ, ये क्या है, ये उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने की क्या है, मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट। ये प्रोविजन की कहानी हो गई कंप्लीट। अब आ जाते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी और कॉन्टिजेंट एसेट, जो इस आईएएस का एक छोटा सा पार्ट है। ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं और कॉन्टिजेंट एसेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन, ये बात ध्यान में रखें कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी या कॉन्टिजेंट एसेट जो है ना, वो दोनों ना लाइबिलिटी होते हैं ना एसेट होते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं हो सकते जब तक वो कॉन्टिजेंट है। हाँ, अगर उनकी कॉन्टिजेंसी खत्म हो गई ना, तो फिर वो लाइबिलिटी या एसेट बन सकते हैं। सो व्हाट इज अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी? अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट। हमने लाइबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट। पर के डेफिनेशन में क्या जी, तो है, यहां पर प्रेजेंट लिखा हुआ का है पॉसिबल ऑब्लिगेशन, और वो जी पॉसिबल ऑब्लिगेशन डिपेंड करेगी किसी होने वाले इवेंट के ऊपर जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे इसकी आइडियल एग्जांपल है कोर्ट केस, आप पे किसी ने केस कर दिया, अब फैसला आपके अगेंस्ट भी आ सकता है, आपकी फेवर में भी आ सकता है, तो वो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग पे डिपेंड करता है। तो अभी वो लाइबिलिटी नहीं है, तो जब वो लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, तो हम उसे कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज कर देंगे। एक तो इसकी ये डेफिनेशन, दूसरी इसकी एक और डेफिनेशन है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट होनी चाहिए। अब ये देखकर तो हमारा माइंड थोड़ा सा डाउट में नहीं आएगा कि ये तो लाइबिलिटी की डेफिनेशन, लाइबिलिटी भी तो यही है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, तो ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कैसे बनी? तो ये इसलिए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बनेगी क्योंकि जो आगे कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, या तो आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है या अमाउंट रिलायबली एस्टिमेट नहीं हो रहा, क्योंकि प्रोविजन बनाने के लिए शर्त क्या है, आउटफ्लो प्रोबेबल होना चाहिए और अमाउंट रिलायबली एस्टिमेट होना चाहिए। तो आधी डेफिनेशन मीट हुई, आधी डेफिनेशन मीट नहीं हुई, तो इसको भी हम किस कैटेगरी में डाल देंगे, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी की कैटेगरी में डाल देंगे। दो डेफिनेशन है इसके, ठीक है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, एन एंटिटी शल नॉट रिकॉग्नाइज अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। देखिए, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कभी भी रिकॉर्ड नहीं हो सकती, हाँ लेकिन कॉन्सोलिडेशन में हो सकती है, ये इंडिविजुअल की बात चल रही है। तो क्या कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोजर में जाएगी? आंसर इज यस, अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इज डिस्क्लोज्ड। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर डिस्क्लोजर की भी जरूरत नहीं है, और डिस्क्लोजर की जरूरत कब नहीं पड़ेगी, जब उसके चांसेस रिमोट हो जाएं। रिमोट की क्या डेफिनेशन होगी? चांसेस अप टू 5%, जब चांसेस सिर्फ 5% या लेस देन 5% हो ना, तो वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी तो होती है, उसका डिस्क्लोजर भी देने की जरूरत नहीं है, वो इमटीरियल है। लेकिन जब चांसेस 5 से ज्यादा और 50% तक हो, तो फिर वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होती है और डिस्क्लोजर में जाती है, और अगर चांसेस 50 से ज्यादा हो जाएं, तो फिर वो बन जाती है लाइबिलिटी और फिर उसका प्रोविजन बना। अच्छा, इसी तरीके से कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बाज दफा जो है ना क्या होती है, डिवेलप होती है, यानी कि पहले नहीं होती या पहले होती है, तो हमें कंटिन्यूअली असिस्ट करना पड़ता है कि जो आउटफ्लो है वो प्रोबेबल है या नहीं। पहले प्रोबेबल नहीं थे, बाद में प्रोबेबल हो गए, तो हम प्रोविजन बना देंगे।
तो हमें हर साल ईयर एंड के ऊपर देखना पड़ेगा कि जो आपने कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बुक डिस्क्लोज की हुई है उसका स्टेटस क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली हम फैसला करेंगे। रूल ये बना कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी जब तक कॉन्टिजेंसी के अंदर है उसकी अकाउंटिंग नहीं होती, उसका सिर्फ डिस्क्लोजर प्रोवाइड किया जाता है। कॉन्टिजेंट एसेट इसका उल्टा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी पे केस फाइल कर दिया, अगर हम केस जीत गए तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो बेनिफिट किस पे डिपेंड कर रहा है? केस के हारने या जीतने के ऊपर। तो कॉन्टिजेंट एसेट क्या होते हैं? पॉसिबल एसेट दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट हुज एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्मड ओनली बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। तो अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करें? कॉन्टिजेंट एसेट क्या ये रिकॉर्ड होंगे? तो बिल्कुल उसी तरीके से ये भी रिकॉर्ड नहीं होते, इन्हें भी डिस्क्लोज किया जाता है। एन एंटिटी शल नॉट रिकग्नाइज अ कॉन्टिजेंट एसेट। कॉन्टिजेंट एसेट्स आर नॉट रिकग्नाइज सिंस दिस मे रिजल्ट इन द रिकग्निशन ऑफ इनकम दैट मे नेवर बी रियलाइज। हाउएवर व्हेन द रियलाइजेशन ऑफ इनकम इज वर्चुअली सर्टेन, द रिलेटेड एसेट इज नॉट अ कॉन्टिजेंट एसेट एंड इट्स रिकग्निशन इज अप्रोप्रिएट। मसलन हमने किसी पे केस किया, हम अपने लॉयर से पूछेंगे बताओ हमारे जीतने के चांसेस क्या हैं, वो कहेगा 5%, तो हम कहेंगे रिमोट है। वो कहेगा 30%, तो हम कहेंगे पॉसिबल है। वो कहेगा 60%, तो हम कहेंगे प्रोबेबल है। अगर वो कहता है 96%, तो हम कहेंगे वर्चुअली सर्टेन है। अब कॉन्टिजेंसी हट जाएगी और वो एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा, एसेट को डेबिट कर देंगे, इनकम को क्रेडिट कर देंगे। और अगर चांसेस 50% से ज़्यादा हों, 95% तक हों, तो फिर हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कॉन्टिजेंट एसेट को क्या कर देंगे? डिस्क्लोज कर देंगे। कब? जब इनफ्लो के चांसेस प्रोबेबल हों। और अगर इनफ्लो के चांसेस रिमोट या पॉसिबल हों, तो कॉन्टिजेंट एसेट को डिस्क्लोज करने की भी ज़रूरत नहीं। यानी कि 50% तक चांसेस होंगे कॉन्टिजेंट एसेट के, तो डिस्क्लोजर की भी ज़रूरत नहीं। चांसेस 50 से एक्सीड करेंगे तो डिस्क्लोजर में जाएंगे, और 95 से एक्सीड करेंगे तो अकाउंटिंग हो जाए।